तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले डीडी फील्ड्स में करीबन 32 चैनल ऐसे उपलब्ध है जो कि वंदे गुजरात और एमएसआरडी के नाम से उपलब्ध है। तो इसी चैनल के बारे में बात करेंगे, क्या ये चैनल बंद हो सकते हैं और इनके जगह डीडी फील्ड्स में नए चैनल आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें 32 ऐसे चैनल है, 32 स्लॉट यहाँ पर फुल हो चुके हैं। अगर ये चैनल को कोई देखता भी नहीं, आप भी नहीं देखते होंगे, तो ये चैनल अगर बंद करके नए चैनल को ऐड कर दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही नए चैनल यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बनने से पहले जरा वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल जाए, और टाइटल पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताए थे वंदे गुजरात और MHRD नाम से जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स आखिर किस कैटेगरी के, तो ये बेसिकली एक एजुकेशन चैनल है, जहाँ पर अगर इस चैनल को देखेंगे तो इनमें सिर्फ पढ़ाई जाती है, मतलब एजुकेशन ही बताया जाता है, कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है मैथ्स या फिर फिजिक्स से रिलेटेड। तो ये एक एजुकेशनल चैनल है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें डीडी फीड्स में चैनल हटेंगे नहीं, तो इसका जवाब है नहीं, डीडी फीड्स से ये चैनल बिल्कुल भी नहीं हट सकते, क्योंकि नहीं हट सकते क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़ या फिर डीडी के जितने भी चैनल हमारे डीडी फीड्स में उपलब्ध है वो हाँ डीडी फीड से हट नहीं सकते, उसी प्रकार यहाँ पर ये सभी चैनल यहाँ पर हट नहीं सकते, क्योंकि ये भी चैनल सरकारी है और यहाँ पर इसे और डीडी के जितने चैनल हैं वो भी सरकारी होते हैं। तो सरकारी चैनल को डीडी फीड इसमें रखना अनिवार्य है, प्रसार भारती चाह के भी इसे नहीं हटा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑफिशियली अलाउंस है कि कोई भी गवर्नमेंट का चैनल यहाँ पर डीडी फीड से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि डीडी फीड भी एक सरकारी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सरकारी चैनल्स तो बिल्कुल अलाव है। भले प्राइवेट चैनल यहाँ पर अदल बदल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये सब चैनल है यहाँ पर ये बंद नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों इन डीडी फीड्स के जितने भी ट्रांसपोंडर है ये डीडी फीड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, क्योंकि डीडी फीड्स जितने भी ट्रांसपोंडर है उनमें से सभी ट्रांसपोंडर में चैनल्स आते हैं, लेकिन जो MHRD और जो वंदे गुजरात के जो चैनल्स है इन्होंने एक अलग ट्रांसपोंडर खरीद के रखा है और इसी ट्रांसपोंडर पर ये चलाते हैं, यानी डीडी फीड्स का ये कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये डीडी फीड्स पर ही उपलब्ध है, ना कि डीडी फीड्स के स्लॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि ये चैनल बंद करके नए चैनल का आ जाए तो बिल्कुल गलत है। कुछ दिनों पहले कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे ये कमेंट किया था, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा, आप लोग को भी जानकारी देने का सोचा, क्योंकि आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चैनल को बंद क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि इसकी TRP बहुत ही कम है, आप भी नहीं देखते होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों लेकिन आखिर इस बात करें चैनल की, चैनल उतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छे चैनल है, इसमें ऐड तो बिल्कुल ही नहीं दिखाए जाते, दिन भर यहाँ पर आपको सोजी या फिर यहाँ पर जो एडुकेशनल होते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है, और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये डीडी फीड से रिमूव नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और बता दूँ आज सामान रखिए क्यों वीडियो आने वाला है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं पिछले क्यों वीडियो में भी जो आपके सवाल थे उस सबको पिक करके आज के शाम 4 बजे आपको वीडियो दे दूँगा, जहाँ पर आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।